दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। एमसीडी ने कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए 400 पुलिसकर्मी मांगे। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार और सलीम चिकना की आज रोहिणी कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस हिरासत हो रही है खत्म। दिल्ली हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। हिंसा के 5 आरोपियों अंसार, सोनू चिकना, सलीम, आहिर और दिलशाद पर एनएसए लगाया गया। 1 साल तक नहीं मिल पाएगी बेल। दिल्ली हिंसा में 2 और गिरफ्तारी। सोनू चिकना को हथियार देने वाला गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली और पथराव में शामिल दिलशाद भी गिरफ्तार। 3 नाबालिग समेत अब तक 26 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली हिंसा के आरोपी सोनू चिकना को रोहिणी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। सोमवार को पुलिस ने किया था अरेस्ट। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में दिख रहा है कि शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों पर बोतल फेंकी गई। जहांगीरपुरी हिंसा केस में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को पहली रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में हिंसा को बताया सोची समझी साजिश। दिल्ली दंगों की पीएफआई कनेक्शन की भी जांच। दिल्ली के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा दंगों में पीएफआई की भूमिका है या नहीं जांच जारी। हथियार के साथ दिखने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी। दिल्ली दंगे के पश्चिम बंगाल कनेक्शन की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की टीम पूर्वी मिदनापुर पहुंची। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। आपने जहांगीरपुर हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को बीजेपी का स्थानीय नेता बताया। तथाकथित मास्टरमाइंड की तस्वीरें लाया हूं, आप दिखा दो। ये वो आदमी है जिसका नाम अंसार है। देखिए ये टोपी कितनी जम रही है इनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगा के। दिल्ली दंगे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार तेज। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एबीपी न्यूज पर कहा दिल्ली को बीजेपी ने बिना कानून व्यवस्था वाला स्टेट बना दिया। गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए इस्तीफा। यहाँ कोई एलिगेशन लगाते हैं, बाद में अरविंद केजरीवाल जाके पैर पकड़कर अरुण जेटली और नितिन गडकरी का नाक रगड़ के माफी मांगते हैं। ओह आई एम सो सॉरी अरुण जेटली जी, माफ कर दीजिए प्लीज, हम केस कोर्ट केस विड्रॉ कर लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह जी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए। तो संबित भाई आप और मैं दोनों चलते हैं गृह मंत्री जी से उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। बीजेपी का आरोप दिल्ली में हिंसा से पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश। बीजेपी ने कहा साजिश के तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के दौरे से पहले हुई हिंसा। अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो इस देश के अक्स को और प्रधानमंत्री जी के अक्स को इसके लिए खराब करने की कोशिश करते हैं कि उनका रात दिन ये कोशिश है प्रिय प्रधानमंत्री जी की कि देश आगे बढ़े, देश नंबर 1 हो। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। हिंसा में आम आदमी पार्टी के कनेक्शन की जांच की मांग की। कहा रोहिंग्या वाले दंगाइयों को आम आदमी पार्टी की सरकार का है समर्थन। देखिए शिवसेना का बीजेपी पर निशाना। कहा हिंसा दिल्ली में एमसीडी और बृहन मुंबई जिस तरह से दंगे का माहौल बीजेपी की साजिश, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 मई को मंदिरों में लाउडस्पीकर पर महाआरती करने के आदेश दिए। राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे रखा है। सूत्रों के मुताबिक लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर मुंबई पुलिस का सर्वे, करीब 72% मस्जिदों ने सुबह की अजान के लिए लाउडस्पीकर की आवाज कम की, कई मस्जिदों ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद किया। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, धार्मिक जुलूस के लिए इजाजत जरूरी होगी, लाउडस्पीकर की आवाज धर्मस्थान से ज्यादा बाहर ना जाए। डिप्टी सीएम मौर्य बोले मंशा शांति रखने की है। सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि एक तो शांति व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर बनी रहे।
मथुरा और वृंदावन में शराब और मांस की बिक्री पर रोक बरकरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक के खिलाफ याचिका खारिज की। कहा, देश में सभी समुदाय और संप्रदाय का सम्मान होना चाहिए। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी मुर्तजा का आज हो सकता है ऑपरेशन। हमले वाले दिन टूटा था आरोपी का हाथ। मध्यप्रदेश के खरगोन में आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे। रामनवमी के दिन हिंसा के बाद से लागू है कर्फ्यू। राजस्थान के भरतपुर के दहशत के बीच दलितों के पलायन का दावा। कुम्हेर में दबंगों पर अंबेडकर जयंती के जश्न के दौरान एससी समुदाय के लोगों से मारपीट का आरोप। जम्मू कश्मीर में फिर से तैनात होंगी पैरामिलिट्री फोर्स की 100 कंपनियां। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वापस बुलाई गई थी कंपनियां। अमरनाथ यात्रा को लेकर होगी जरूरत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ा आतंकी हमला चला। सुरक्षा बलों ने कालरूस इलाके से आईडी समेत 10 पिस्टल बरामद किए हैं। 17 मैगजीन और ग्रेनेड पकड़ा गया। सुरक्षा बलों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान की हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी। इरिडियम सैटेलाइट फोन के मिले सिग्नल सुरक्षा घेरे से बचने में मदद करते हैं थर्मल इमेजिंग डिवाइस। लद्दाख में चीन की नई साजिश। एलओसी से सटे हॉट स्प्रिंग में लगाए 3 मोबाइल टावर। भारतीय क्षेत्र में निगरानी का खतरा बढ़ा। लद्दाख के पार्षद कॉन्चोक स्तानिन ने तस्वीरें भी जारी की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला। सरकारी निर्माण में जुटी 7 गाड़ियों में आग लगाई। नक्सलियों की दहशत फैलाने की साजिश। मई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे पीएम। 24 अप्रैल को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा। पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन। गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में बनास डेयरी का उद्घाटन किया। 1 बायोसीएनजी प्लांट का लोकार्पण और 4 गोबर गैस प्लांट्स का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया। कहा, कोरोना के समय महसूस हुआ वेलनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। वेलनेस ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। साथियों, वेलनेस का हमारा जीवन में क्या महत्व है, ये हमने कोविड पैंडेमिक के इस दौर में अनुभव किया है। लगातार हार पर कांग्रेस का मंथन है जारी। सोनिया गांधी के घर जुटे कांग्रेस के टॉप नेता। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी हुए शामिल। प्रशांत के सुझावों पर काम के लिए कांग्रेस ने एक पैनल भी बनाया है। सुनील जाखड़ के बागी तेवर। कांग्रेस के कारण बताओ नोटिस का अब तक नहीं दिया जवाब। पार्टी 6 साल के लिए कर सकती है निष्कासित। 1 हफ्ते पहले अनुशासनहीनता नोटिस भेजा गया था। राजस्थान बीजेपी की अंदरूनी कलह सुलझाने में जुटे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। वसुंधरा राजे समेत कई बड़े नेताओं के साथ की बैठक। अंदरूनी लड़ाई से नाराज हैं पार्टी के सीनियर नेता। पश्चिम बंगाल के हांसखाली में नाबालिग से रेप मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी ने हिंदू बंगाली परिवारों को घर बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन दी। 1,20,000 रुपए। खेती के लिए भी 2-2 एकड़ जमीन। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे परिवार। बाराबंकी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल में खराब हालत को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। अखिलेश यादव बोले, योगी राज में ऐसा हाल मंत्री खुद शर्मिंदा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज रामपुर जाएंगे। एसपी के नेता आजम खां के परिवार से करेंगे मुलाकात। मुंबई में उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बीजेपी का मिशन पोल खोल। बीजेपी की गाड़ियां घूम घूमकर सरकार विरोधी मुहिम चलाएंगी, लेकिन पहले दिन ही बीजेपी की बस पर चले पत्थर।
पटना में आरजेडी के पोस्टर में नया नारा लिखा, बिहार का भूमिहार। आरजेडी के साथ बुझा उपचुनाव में भूमिहारों ने बीजेपी को वोट कम दिया। विधान परिषद चुनाव में आरजेडी के भूमिहार उम्मीदवार जीत कराए। बिहार में आरजेडी का दावा, गिरेगी नीतीश कुमार की सरकार। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जेडीयू के एक दर्जन से ज्यादा विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, तेजस्वी बनेंगे सीएम। बिहार के शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, शराबबंदी कानून रद्द करने की मांग की गई है। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले पर आज से दो दिवसीय विशाल समागम, आज गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल, कल पीएम मोदी लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। एमपी की शिवराज सरकार ने शुरू की तीर्थ योजना, भोपाल से पहली ट्रेन आज पहुंचेगी काशी, स्पेशल ट्रेन से 1000 तीर्थयात्री बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ये आत्मा का सुख है, ये परमानंद है सबके लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मन और हृदय को छूने वाली योजना है। चार धाम यात्रा में गैर हिंदू श्रद्धालुओं का होगा वेरिफिकेशन, उत्तराखंड की धामी सरकार का ऐलान, साधु संतों ने यात्रा में सिर्फ हिंदुओं के प्रवेश की मांग की थी। चारधाम पर सीएम धामी के फैसले का साधु संतों ने किया स्वागत, शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने कहा, मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हैं। आनंद स्वरूप ने सीएम को पत्र लिखकर चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग की थी। और कोई भी गैर हिंदू चारधाम यात्रा में प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रसाद की दुकान नहीं लगा पाएगा, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सीएम के फैसले का स्वागत किया, कहा उत्तराखंड से दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं और इसलिए कुछ नियम होने चाहिए जिसमें लोगों का वेरिफिकेशन किया जा सके। धार्मिक और पौराणिक महत्व को देखते हुए इसके साथ साथ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर भी इस प्रकार के इस प्रदेश में कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। यूपी के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की चारधाम में आस्था नहीं है उसके वहां जाने का क्या औचित्य है। निश्चित रूप से ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसकी वहां के ऊपर आस्था ही नहीं, उसको वहां जाने का प्रश्न ही क्या होता है। मुंबई के अग्रिपाड़ा में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की दूसरी मंजिल पर लगी आग, आग पर काबू के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां। महाराष्ट्र में नासिक के कुरन इलाके में आग से करीब 20 एकड़ की फसल बर्बाद, कृषि विभाग के आरक्षित क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। हिमाचल प्रदेश में शिमला के जंगलों में लगी भीषण आग, शिमला कालका हाईवे के पास तारा देवी के जंगल दहके, गर्मियों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। राजस्थान के उदयपुर में सज्जनगढ़ सेंचुरी के जंगलों में धधक रही है आग, आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर भेजे गए। दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना केसेस, आज जीडीएमए की बैठक में होगा कोरोना प्रोटोकॉल और सख्ती बढ़ाने पर विचार, 24 घंटे में 632 नए मरीज आए सामने। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम के स्वास्थ्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई, कोरोना पर लगाम के लिए कुछ सुझाव दिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा सरकार का फैसला, राज्य में मास्क पहनना जरूरी किया गया। देश की तरक्की की रफ्तार पर आईएमएफ की ओर से जारी अनुमान से थोड़ी राहत और थोड़ी मुश्किल, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार यानी 8.2% की रफ्तार से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था, लेकिन जनवरी के मुकाबले अनुमान घटा। एसबीआई ने बढ़ाई ब्याज दरें, अब लोन लेना होगा महंगा, ब्याज दरों में 0.1% की बढ़ोतरी, ईएमआई पर पड़ेगा बोझ। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में गर्मी का सितम, मौसम विभाग का अनुमान आज से मिल सकती है कुछ राहत।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।